नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद बाराबंकी क्षेत्रीय गांधी आश्रम परिसर में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्य कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम में जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह, पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती एकता सिंह ने शहर के कोटे की दुकानों के 25 लाभार्थियों के छपे छपाए वाटर प्रूफ बैग में खाद्यान्न किया गया वितरित। बाराबंकी से समीम की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। अब तो होने जा रहा है जिन्हें इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके अनुकंपा से प्रथम लहर में अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और कोरोना महामारी की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवस्था किया, इसका फायदा इस प्रदेश के, इस जनपद के हर किसान को, हर माताओं बहनों तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा, कार्डधारक को पूरे कार्डधारक का डेटा डिजिटाइज किया गया, उसको आधार से जोड़ा गया और उसको पूरी तरीके से पारदर्शी कि कहीं भी किसी दुकानदार के द्वारा किसी प्रकार का कोई बार्गेनिंग, कोई व्यवधान न पैदा हो। और इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, अभी कतारबद्ध होकर के जो माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया, और मुझे तो खुशी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने बनारस, कुशीनगर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, ऐसे तमाम झांसी जनपद से आम लोगों से जुड़े और लोगों ने दिल से, ऐसा नहीं कि कोई सिखाया हो, जो हमारी भारत सरकार उत्तर प्रदेश की योजनाओं का फायदा मिला, लोगों ने दिल से उसका बखान किया। इससे लगता है कि प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा पूरे प्रदेश में आसानी से पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। और चूंकि यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते